JEES टास्क फोर्स की बैठक मंडलायुक्त जयंत नालिकर की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि JEES प्रभावित गांवों का संबंधित अधिकारी दौरा करें तथा वहां जो कमी दिखाई दे उसका त्वरित निस्तारण भी करें। गांवों में साफ सफाई, फॉगिंग संबंधी अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। मंडलायुक्त ने कहा कि इस बीमारी से निजात नियंत्रण हेतु संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय आवश्यक है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस सेवाएं पूरी तरह क्रियाशील हों तथा नियत समय से पहुंचकर मरीज को अस्पताल पहुंचाएं ताकि मरीज का त्वरित इलाज हो सके। इलाज के अभाव में मृत्यु कदापि नहीं होनी चाहिए। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि गंबुजिया मछली मंडल के कम से कम 5 गंदगी वाले इलाकों के तालाबों में जेई फैलाने वाले मच्छरों से निजात हेतु डाला जाए। मंडलायुक्त ने JEES में जनपद कुशीनगर की प्रगति पर खिन्नता प्रकट करते हुए CMO को निर्देश दिए कि वे निरंतर इन गांवों का निरीक्षण कर बीमारी के बचाव संबंधी समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं। आयुक्त ने कहा कि AES जल जनित बीमारी है और इसके दृष्टिगत शुद्ध पेयजल हेतु सभी इंडिया मार्का हैंडपंपों को सही स्थिति में रखा जाए और रिबोर योग्य हैंडपंपों को शीघ्र रिबोर कराएं। बैठक में JDCAD हेल्थ मंडल के सभी जनपदों के CMO सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मंडल स्तर की जो ये हमारी टास्क फोर्स की बैठक होती है, इससे सर इस बार जनपद स्तर से DSA साहब लोग, DPRO लोग और DPM साहब लोगों को भी बुलाया गया है क्योंकि सर कुछ इंस्ट्रक्शन की जरूरत हमें महसूस करें कि आपको भी आपके आदमी के क्रम में बुलाया गया है। तो एक डेटा से संलग्न हो, बाकी अगर आपकी अनुमति हो तो आगे सर जो भी है 102, 108 और LS हमारे में है लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ केवल महाराजगंज में 2 108 अभी अधीन है और इसके अलावा सर हमारे 100% वाहन प्रयोग आ भी रहे हैं। तो आपका पिछली बार डिस्कशन हुआ था कि कुछ रेफरल का एक बजट आया जी सर, इसके लिए क्या गाइडलाइंस बनाई है? टोटल रेफरल के लिए नहीं सर, जैसे जो हमारे डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज वहाँ आप जो सेंटर हैं वो आपको क्या करना है बताइए। CMO महाराजगंज कितना है, इसका भी आपने बताया।